अस्सलामुअलैकुम। आज मैं रसगुल्ले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है। इस दूध का रसगुल्ला अच्छा बनता है, अमूल का। दूसरा मलाई वाला लेंगे तो दूध का सही से छीला बनता नहीं है, रसगुल्ला नहीं बनते अच्छे से। मैंने ट्राई की थी पहले भी, इस दूध का अच्छा बनता है अमूल का। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम शक्कर ली हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लो। यहाँ पर मैंने आधा नींबू लिया है, लेमन, इसको निचोड़ के ली हूँ रस निकाल के। इलायची ली हूँ 4, इसको कूट के लेना है। और 1 गिलास पानी है। बनाना स्टार्ट करते हैं। चालू करके यहाँ पर दूध रखी हूँ, इसको अच्छे से बॉयल लेना है, बॉयल करके लेना है। दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको बॉयल आया है, गैस बंद की हूँ। इसको अभी हम दूध को फाड़ देंगे थोड़ा थोड़ा लेमन डाल के। लगातार इसको हिलाकर बाकी का बचा है वो भी डालूँगी। लगातार हिलाते रहेंगे इसको। फाड़ने के लिए मुझे गैस चालू करना पड़ा। गैस मैंने बंद किया है। छीला छेना बन के तैयार है। मैं इसको अभी एक कपड़ा लूँगी, रुमाल, और उसमें एक बर्तन रखी हूँ, इसमें मैं रुमाल में छन्नी भी ली हूँ, उसमें इसको छान के लेना है। मैं वही इसमें जो डेगची में पानी डाल के इसको अच्छे से हिला के लूँगी ताकि इसके अंदर जो खटास है वो कम हो जाए। हम और एक बार पानी डालेंगे इसमें। ताकि इसका अच्छा खटास बने, इसकी निकल जाए। और इसको अच्छा निचोड़ के लेना है, इसको हाथ की मदद से। करके कोई चीज़ वज़न इस पे रख के बर्तन में ऐसा, तो मैं वज़न ही पत्थर रख रही हूँ ताकि इसके और पानी है वो निकल जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं। मैं एक बर्तन लूँगी, परात ली हूँ मैंने छोटी, इसमें ये निकालूँगी। और इसको अच्छे से तलिए की मदद से ऐसा अच्छे से हल्के लेना है, ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। देख सर, छुट्टा छुट्टा अच्छा हो गया है। इसको हाथ की मदद से ऐसा मलना है, इसको ऐसा अच्छे से। अच्छे से मल के लेना है इसको। चिकना नहीं है इसको, दूसरा मलाई वाला दूध रहता है वो चिकना रहता है, तो हाथ को पूरा चिकना चिकना लग जाता है और अच्छे बनते नहीं हैं वो। ये मुझे रिक्वेस्ट थी कुतुबुद्दीन नाकवा की तरफ से। इसको अच्छे से एक ठिकाने सब मिक्स करके लेंगे हम।
ना अच्छे से मल चुकी हूँ इसको अच्छे से। अब हम इसको छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। ये फूल के बड़े हो जाते हैं इसलिए हम छोटे छोटे बनाएंगे। इसको अच्छे से गोल करना है, इसको क्रैक नहीं आना चाहिए। हाथों की मदद से अच्छे से इसको क्रैक आ रहा है। फिर से मैं उसको और थोड़ा मलूंगी, देख सकते हैं आप इसको क्रैक नहीं है अभी, इसको मली हूँ मैंने थोड़ा। और ऐसे ही छोटे छोटे इसके बॉल बनाएंगे। हल्के हाथ से बॉल बन के तैयार है। 13 बॉल बने हैं इसमें। यहाँ पर मैंने डेग चिली हूँ, इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। इसमें और एक गिलास पानी ऐड करूँगी मैं, 2 गिलास इसमें पानी है। मैं शक्कर ऐड करूँगी, इसको अच्छे से घुलने देंगे। इसमें इलायची भी डाल रही हूँ मैं। इसको अच्छे से बॉईल लेना है, फिर उसमें हम बॉईल ऐड करेंगे। अच्छे से मेल्ट हो चुकी है इसमें, हम इसमें रसगुल्ले के बॉल ऐड करेंगे। धीमी आंच रखी हूँ मैंने। इसको ऐसे ढककर 10 मिनट अच्छे से पका के लेना है। इसको 10 मिनट अच्छे से हो गए हैं, देख सकते हैं आप अच्छे से फूल गए हैं, डबल हो गए हैं। इसमें ना मैदा डाली हूँ मैंने, ना कॉर्नफ्लोर, ऐसे ही बनाई हूँ। ज़बरदस्त बने हैं रसगुल्ले, ज़रूर ट्राई करना। मैं अभी सर्व करती हूँ और गैस बंद कर देती हूँ। रसगुल्ले मैंने सर्व की हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।